अभी के समय में यानी कि आज के दिन गूगल ने और 25 एप्लीकेशंस को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। अब आप लोग अगर उस एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में रखे हैं तो वो सारे एप्लीकेशंस भी आप डिलीट कर दें या फिर अनइंस्टॉल कर दें। तो मैं बता रहा हूँ आप सभी को कौन कौन से वो सारे एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे गूगल ने बैन कर दिया है अपने मतलब सभी एंड्रॉयड ऐप के लिए। तो इसे आप लोग भी चाहे तो हटा सकते हैं या फिर वो तो ख़त्म होना ही है। तो आप लोगों को वो सारे एप्लीकेशन जो भी हैं वो प्ले स्टोर पर अब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल बैन्स 25 मोर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, नाउ यू मस्ट डिलीट देम फ्रॉम योर फ़ोन। अगर आपके फ़ोन में है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से वो सारे एप्लीकेशन हैं जो आप अपने फ़ोन से हटाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है उसका नाम है सुपर वॉलपेपर्स फ्लैश लाइट, उसके बाद है फेडेंटेफ, और उसके बाद है वॉलपेपर लेवल, उसके बाद है कॉन्टर लेवल वॉलपेपर, आई फ्लेयर और आई वॉलपेपर, उसके बाद वीडियो मेकर, कलर वॉलपेपर, स्पेडोमीटर, पावरफुल फ्लैश लाइट, और उसके बाद है सुपर ब्राइट फ्लैश लाइट, सुपर फ्लैश लाइट, सॉलिटेयर गेम, एक्यूरेट स्कैनिंग ऑफ क्यूआर कोड, क्लासिक कार्ड गेम, जंक फाइल क्लीनिंग, सिंथेटिक जेड फाइल मैनेजर, कंपोजिट जेड, स्क्रीनशॉट कैप्चर, डेली हॉरोस्कोप वॉलपेपर्स, विजिया रीडर और प्लस वेदर और एनिम लाइव वॉलपेपर और हेल्थ स्टेप काउंटर। तो ये 25 ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसे आप अब लोग प्ले स्टोर पर नहीं देख पाओगे, यानी कि गूगल ने उन सभी एप्लीकेशंस को हटा दिया है। तो अब आप उसे अपने फ़ोन से रिमूव कर दी या फिर वो आपके फ़ोन में चलना बंद हो जाएगा, आखिर आपको अनइंस्टॉल करना ही है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बता दिया कि वो सारे एप्लीकेशन कुछ टाइम पहले मतलब कि गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है, तो आप लोग उसे भी हटा सकते हो। जो कि ये 25 और एप्लीकेशन्स है अगर आपके फ़ोन में है तो आपको उसे हटा देना चाहिए।